सुरक्षा भाटी के माता पिता ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और अपना दर्द साझा किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सुरक्षा के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। उसके गांव में प्रेरणा स्थल लाइब्रेरी बनेगी, साथ ही परिवार को 15 लाख रुपए सीएम की तरफ से और 5 लाख रुपए राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर की तरफ से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने सुदीक्षा की मौत को देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। सीएम ने कहा कि प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी से क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर दादरी विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी मौजूद रहे। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के एक गांव के रहने वाली सुदीक्षा बीते 10 अगस्त को अपने चचेरे भाई निगम भाटी के साथ बुलंदशहर में ननिहाल जा रही थी, लेकिन औरंगाबाद थाना क्षेत्र में अचानक सामने से आए बुलेट सवार के ब्रेक लगाने से निगम बाइक पर संतुलन खो बैठा। सुदीक्षा की इस हादसे में मौत हो गई। पिता जितेंद्र ने आरोप लगाया था कि बुलेट सवार दो युवक सुदीक्षा के साथ छेड़खानी कर रहे थे। हालांकि तहरीर में इस बात का जिक्र नहीं था। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी चाय बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सुदीक्षा ने अपनी मेहनत के बलबूते भारत सरकार से स्कॉलरशिप हासिल की थी। वह अमेरिका के बॉबसन कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसे HCL की तरफ से 3,80,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा जून में भारत लौटी थी और उसे 10 अगस्त को अमेरिका वापस लौटना था।